गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 7 जून और शाम के बज रहे हैं 6। आप में से वो लोग फ्रेंड्स जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल नाम है शेयर एकेडमी, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को कीजिए लाइक अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना तो स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, शर्त सिर्फ एक है कि हमारा ये ग्रुप और हमारा ये चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ना ही करता है और ना ही हम इसे इंडोर्स करते हैं। हम यहाँ पर शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल बेसिस पर और उसके बाद टेक्निकल बेसिस पर एनालिसिस करने के बाद शेयर में खरीदारी की सलाह देते हैं। मिनिमम पोजीशंस होती हैं वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम ईयरली या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में शेयर रखने के लिए हम करते हैं शेयर्स की एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी लर्न टू अर्न सीरीज का 10वां और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन का वीडियो है और टॉपिक का नाम है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जी हाँ, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो सिर्फ अभी अभी चलाया है और ये आपके देखे जाने वाला पहला वीडियो है तो हम रिकमेंड करेंगे कि इस वीडियो को आप यहीं रोक दीजिए और इससे पहले लर्न टू अर्न सीरीज़ को, जो भी आपको ये वीडियोज़ मिल रहे हैं इन्हें सीरियल से देखिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो। तरीका यही है और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आज रात की जो लाइव सेशन होगा उसके अंतर्गत हम इन्हीं 10 वीडियोस को दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली ग्राउंड पर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर टेक्निक को सीखने के लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, वो है ट्रेड टाइगर वर्जन 2.5। बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। अगर आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस या फिर एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस और अपनी कॉस्ट खुद जनरेट करना चाहते हैं तो उनके लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया है। मार्केट में आ रहे हैं तकरीबन 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिनमें कि पेड और फ्री दोनों ही को एक्सपीरियंस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। ओके, सो बातों में वक्त ज़्यादा नहीं करते हैं और सीधे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, याद होगा आपको इससे पहले का लास्ट सेशन जो कि था सपोर्ट और रेसिस्टेंस मूविंग एवरेजेस के बाद, वीडियो नंबर 9 था, सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसी का अगला पॉइंट है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं पता है तो आप ये नहीं जान सकते कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। ओके, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, शेयर है रेन इंडस्ट्रीज़ का, इसकी बाकी की जितनी स्टडीज़ है वो हम पूरी की पूरी निकाल देते हैं। और अब हमारे पास जो चार्ट मौजूद है वो रेन इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है, कैंडलस्टिक, डेली कैंडलस्टिक, यानी कि एक कैंडल जो है वो एक दिन के मूवमेंट को दर्शाती है। ओके, और अब हम शुरू करते हैं इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल ढूंढना। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये एक शानदार सपोर्ट लेवल है, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल है, निचले स्तरों पर ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, एक आइडल लेवल है ये। ठीक, सो अब हमारे पास इतने सपोर्ट रेसिस्टेंस है और अगर आपको नहीं याद है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है तो एक बार दोहरा देते हैं आपके लिए। ऊपर से गिरता हुआ शेयर जिन लेवल्स के पास में आकर कुछ देर के लिए ठहरता है उन्हें सपोर्ट कहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ शेयर जिन लेवल्स पर आकर थोड़ी देर के लिए रुकता है और ऊपर जाने से पहले कुछ समय के लिए वहाँ पर आराम करता है वो लेवल्स कहलाते हैं रेसिस्टेंस। तो फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या है? जैसा कि नाम से ही इंगित है, ब्रेकडाउन यानी कि कोई चीज़ है जो नीचे की तरफ टूट रही है और ब्रेकआउट यानी कि कोई चीज़ है जो आउट ऊपर की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेकडाउन या नीचे की तरफ टूटना क्या है। दोस्तों, ब्रेकडाउन किसी भी एक सपोर्ट लेवल से शेयर का नीचे की तरफ टूटना, किसी भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को जब भी कोई शेयर नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। क्या ये जो सपोर्ट को तोड़ना ये एक दिन के अंदर हो जाता है? जी नहीं, हमेशा ब्रेकडाउन का एक नियम है कि 3 दिन या 3% अगर किसी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को कोई शेयर नीचे की तरफ तोड़े और उसके बाद 3 दिनों तक लगातार उसके नीचे रहे या फिर जब भी उसे तोड़े तो 3% से ज़्यादा वैल्यू के साथ में सपोर्ट लेवल को तोड़े, तब उसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। ब्रेकडाउन के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये सपोर्ट लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ टूटते हैं तो ब्रेकडाउन के बाद शेयर उसी दिशा में यानी निचली दिशा में ही और ज़्यादा मूवमेंट करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ कोरोबोरेट ज़रूर होने चाहिए। दोबारा दोहरा देते हैं, ब्रेकडाउन का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ शेयर एक लेवल्स के पास में आकर सपोर्ट लेता है,
जब शेयर इन सपोर्ट्स लेवल को अच्छी तरह से 3% या फिर 3 दिनों तक लगातार इसके नीचे रुके, साथ ही साथ वॉल्यूम भी हो शेयर में, तब इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स ब्रेक डाउन का। अब जो रूल ब्रेक डाउन पर लागू है, सेम वही रूल है ब्रेकआउट पर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ शेयर, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ शेयर जिन स्तरों के पास में आकर कुछ देर के लिए रेसिस्टेंस लेता है, जिसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल रेन इंडस्ट्रीज नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा मूवमेंट दिखा रहा है। इसमें हम हेक्सावेयर का चार्ट यूज़ करेंगे। ओके, और देखते हैं कि हेक्सावेयर, ओके ये रहा हेक्सावेयर, और हेक्सावेयर में ज़रा कुछ लेवल्स को ध्यान से देखिएगा, जैसे कि इसमें सपोर्ट लेवल्स दोबारा से निकालते हैं और स्पेशली रेसिस्टेंस लेवल निकालते हैं इसमें। ठीक, ये पर्टिकुलर लेवल जो कि यहाँ पिवट के लेवल के तौर पर है, ठीक ये लेवल, अब ध्यान से देखिए इसे, नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ शेयर जिन लेवल्स के पास में आकर एक बार रेसिस्टेंस लेता है, ये लेवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के। जब भी कोई शेयर जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, साथ ही साथ ब्रेक करने के समय उसमें वॉल्यूम भी आए, ऐसे मूवमेंट को ब्रेकआउट कहते हैं। यानी ब्रेकआउट होता है शेयर का ऊपर जाना और ब्रेकडाउन होता है शेयर का नीचे आना। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के समय अगर आपको वॉल्यूम मिलता है तो ये वॉल्यूम कंफर्म कर देता है कि जो भी ब्रेकआउट हुआ है या जो ब्रेकडाउन हुआ है उसकी दिशा एक ही तरफ होगी। ये कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स या टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट पैटर्न्स, जिनमें कि ट्रायंगल, पेनेंट, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम या वेजेस। ये सारी चीज़ें जो आपकी अभी समझ में नहीं आ रही हैं, आने वाले समय में आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी जब हम इस पर आपको पूरी एनालिसिस देंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पर इस शेयर को देखिए जो कि है ACC का, एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल था। रेसिस्टेंस लेवल को जब ACC ने ब्रेक किया तो वॉल्यूम के साथ में ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है ACC का वो ऊपर की दिशा में और ज़्यादा सस्टेनेबल रहा। तो ब्रेकआउट का मतलब है एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन को जब कोई शेयर ऊपर की तरफ तोड़े, और ब्रेकडाउन का मतलब है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन को जब कोई शेयर नीचे की तरफ तोड़े, तो यह है ब्रेकडाउन। अच्छा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की इम्पॉर्टेंस क्या है? शेयर में खरीदारी करने के लिए और किसी भी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? अगर कोई शेयर 52 वीक्स हाई के पास में है, मान लीजिए कि ACC का ये शेयर जिस समय चल रहा था ये लेवल्स पर, तब शेयर का 52 वीक्स हाई का लेवल था वो तकरीबन 1760 का था, ये इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल हो गया। जब शेयर इन रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ता है ऊपर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, जब शेयर रेसिस्टेंस लेवल को तोड़े तब शेयर में हम फ्रेश खरीदारी करते हैं। अब देखिए शेयर का मूवमेंट, ठीक, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी तकरीबन 1760 से लेकर 1860 तक के करीब 4 से 5% का मूवमेंट आपको जब शेयर ब्रेकआउट देता है तब मिलता है। ठीक, तो किसी भी शेयर में खरीदारी करने के लिए जब भी शेयर एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है या ब्रेकआउट देता है, एक आइडल एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं जो कि हमारी ज़्यादातर कॉल्स के अंदर होता है, जैसा कि माइथन एलॉय के अंदर था। ठीक, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के पास में शेयर ने एक रेसिस्टेंस लिया 542 का, और जब शेयर ने इस 542 के लेवल को ब्रेक किया यानी ब्रेकआउट दिया, वो भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद शेयर देखिए कितने शानदार तरीके से ऊपर निकल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल एशियन टाइल्स का, ये है ब्रेकआउट के एग्जाम्पल्स। ठीक, ध्यान से देखिए, राउंडिंग बॉटम पैटर्न इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, जब इस सपोर्ट जोन को, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 202 का, जब शेयर ने तोड़ा वो भी वॉल्यूम के साथ, तो शेयर वहाँ से देखिए एक तरफा कितनी शानदार खरीदारी दिखाता है, और 202 के लेवल से बढ़ता हुआ शेयर जाता है 260 के लेवल, करीब करीब 20% का रिटर्न देता है। तो ये है ब्रेकआउट, सेम ऐसे ही है ब्रेकडाउन। नाउ ब्रेकडाउन क्या है कि जब सपोर्ट लेवल जो है शेयर के, जैसे कि ये एक सपोर्ट लेवल है शेयर का, इस सपोर्ट लेवल को जब भी शेयर ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन,
साथ ही उसके पास वॉल्यूम भी आ जाता है, तब वो शेयर बहुत ही तेजी के साथ नीचे जाता है और इस कंडीशन को ब्रेकडाउन कहते हैं। जैसा कि आज के समय में रेडिको खेतान के अंदर बहुत ही शानदार ब्रेकडाउन आया है पिछले 2 दिनों में। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये सपोर्ट जोन था 335 का, यहाँ से शेयर टूटा, वॉल्यूम के साथ में टूटा और उसके बाद शेयर का मूवमेंट देखिए नीचे की तरफ कितना शानदार हुआ है। ये है रेडिको और रेडिको में है ये ब्रेकडाउन। तो सपोर्ट और ब्रेकडाउन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर से गिरता हुआ शेयर जिन लेवल्स पर आकर सपोर्ट ले और दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू करे तो हम उन लेवल से खरीदारी करते हैं। रेसिस्टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं कि जब शेयर रेसिस्टेंस लेवल के पास में आ जाए तो प्रॉफिट बुक करने के लिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब शेयर किसी सपोर्ट लेवल से नीचे की तरफ टूट जाए तो हम उस शेयर से बाहर निकल जाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और ब्रेकआउट का इस्तेमाल हम करते हैं कि जब शेयर किसी सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे और उसके पार निकल जाए तो हम फ्रेश खरीदारी करते हैं शेयर में प्रॉफिट के लिए। ठीक, सो ब्रेकआउट जब करे शेयर तो खरीदारी करनी है, जब ब्रेकडाउन करे शेयर तो बिकवाली करनी है। इस नियम का हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद है कि यहां तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, जो ये सेशन है और जो ये नॉलेज है ये थोड़ा थोड़ा अब डीप होता जा रहा है, इस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि इन्हें समझना थोड़ा बहुत मुश्किल है। बट अगर आप इन वीडियोस को 3-4 बार देखेंगे तो ये नॉलेज आपकी समझ में आना शुरू कर देगा। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल आप जितना इसका करेंगे, जैसे कोई भी एक शेयर ओपन कीजिए, एडवांस एंजाइम सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल बना लीजिए और देखिए कि शेयर कब कब कहाँ कहाँ सपोर्ट लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है और रेसिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। अरविंद जैसे, ध्यान से देखिए, क्या ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था? इस सपोर्ट लेवल को अरविंद ने तोड़ा, उसके बाद देखिए तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। ठीक, डीमार्ट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 1341 का, इसे तोड़ा डीमार्ट ने और उसके बाद तेजी से नीचे की तरफ गिरा। तो ये प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपका नॉलेज मार्केट में उतना ज़्यादा बढ़ेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का ये सेशन जो है यहाँ तक का ये आपको पसंद आया होगा और उससे भी ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए लाइक, लगातार देखते रहिए इसे और जुड़े रहिए शेयर एकेडमी से। किसी भी तरह की कोई फ्रेश खरीदारी करने से पहले हमसे राय ज़रूर ले लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, शर्त सिर्फ एक है, शेयर एकेडमी मार्केट में चल रहे दूसरे हज़ारों ग्रुप से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर हम शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, एनालिसिस करने के बाद में पोजिशनल बेसिस पर खरीदारी की सलाह देते हैं, जिनमें मिनिमम पोजिशंस वीकली और मैक्सिमम पोजिशंस ईयरली बेसिस पर होती हैं। सो अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो हमारी हेल्प कर सकते हैं स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में दिए हुए इस पेटीएम नंबर पर डोनेट करके, आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नंबर सेम है। सेशन को आज यहीं पर वाइंड अप करेंगे, उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू वेरी मच।